और सेशन स्टार्ट आज हम लोग करने वाले क्या है वो देखिएगा। सबसे पहले ऑनलाइन इंग्लिश का ये सॉल्यूशन सेक्शन का जो आपका क्लास है वो नाउन से रिलेटेड है, और ग्रामर सेशन का ये चौथा सेशन है नाउन से रिलेटेड। तो अगर आप इसे एप्लीकेशन पे देख पा रहे हैं तो ये आपका कंटिन्यू चौथा सेशन है, और अगर आप यूट्यूब पर देख पा रहे हैं इस सेशन को तो ये जो सेशन आप लोगों को मिल रहा है वो हम वो सारे कंटेंट आपको यहाँ पर यूट्यूब पर भी उपलब्ध करवा रहे हैं, तो कि वन शॉर्ट वीडियो की तरह काम करेगा। कि अगर आपको सिंगल और प्लुरल क्रिया करना है आप एक वीडियो देख लीजिए, सारा का सारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अगर आपको यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्लियर करना है तो आपको सारा का सारा सेक्शन मिल जाएगा। चलिए, हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्या क्लियर कर लिया है, तो कलेक्टिव नाउन का सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर आज के सेशन में जो टॉपिक है उसकी बात करने वाले हैं, सिंगुलर प्लुरल के बाद कलेक्टिव नाउन का। चलिए, तो कलेक्टिव नाउन का जो सेशन है आपके पास में ये है डेफिनेशन से स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट? डेफिनेशन से। तो चलिए, सबसे पहले जुड़ गए हैं जो लोग उन सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए, और जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़िए जल्दी जल्दी, और अपना समय और साथ ही साथ कलम कॉपी सब रेडी कर लीजिए। अब हम लोग सेशन को करेंगे प्रारंभ। तो नाउन का ये टॉपिक ऐसा है जिसमें हम अनेक प्रकार के लोगों का, एनिमल का, वस्तुओं का समूह के बारे में स्टडी करने वाले। तब तक हम लोगों ने जो भी सेशन किए हैं उसके बाद का ये सेशन आज का होगा खासम। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि कलेक्टिव नाउन का हिंदी क्या होता है। सारे स्टूडेंट आप लोग जल्दी से अटेंटिव मोड में आइए और मुझे बताइए कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है हिंदी में। शायद आप लोग बताएंगे समूहवाचक, है ना? चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपका जवाब है समूहवाचक संज्ञा, तब अब हमें सिखाना है आपको इसके डेफिनेशन के बारे में। तो चलो हम लोग लेके चलते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन एकदम सरल तरीके से लिखेंगे कि अ कलेक्टिव नाउन, एक समूहवाचक संज्ञा, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप, इज द नेम ऑफ। अब समूह का नाम है तो समूह में किनके समूह का नाम है? कॉमन नाउन का, ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। अगर सेंटेंस में हमारे पास कुछ कॉमन नाउन है तो उनके समूह के नाम को हम कलेक्टिव नाउन का नाम देते हैं। जैसे आप ही सब बताइए, लड़कों का कहीं पे समूह बैठा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। लड़कियों का समूह अगर बैठा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं? अब तो सरप्राइज, समूह तो मैंने ग्रुप सुना है, लड़कियों का समूह क्या होता है मुझे नहीं पता। तो अगर आप लाइव सेशन कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो, अगर आप कभी बाद में इस वीडियो सेशन को देख रहे हो तो इमेजिन कर सकते हो कि मुझे लड़कों का समूह ग्रुप, लड़कियों का समूह नहीं बताया गया है, तो आज के क्लास में बताएंगे, टेंशन ना लेने का, ठीक है? तो अगर हम लड़कों के समूह की बात करते हैं तो आपका जवाब आएगा कि सर लड़कों का समूह कहलाता है ग्रुप, लड़कियों के समूह को कहते हैं, ठीक है? लड़कियों के समूह को क्या कहते हैं? बेबी। स्पेलिंग क्या होता है? बीई भी। आपके घरों में होता है ढेर सारा चाबी, क्या होता है आपके घरों में? ढेर सारा चाबी। चाबी एक गुच्छे में रहता है, ये चाबी के गुच्छों का एक नाम होता है इंग्लिश में बंच। जैसे हिंदी में आपने गुच्छा बोला, इंग्लिश में क्या बोलना पड़ेगा? बंच। अंगूर जब हम मार्केट से लाते हैं खरीद के तो वो गुच्छों में आता है, अंगूर का गुच्छा भी बंच का। केला मार्केट से लाते हैं तो वो घौर में आता है, घौर का मतलब वो भी एक समूह है, समूह का मतलब वो भी बंच ही कहलाता है। तो बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, बंच ऑफ बनानाज होता है, और उसके बाद बंच ऑफ कीज भी हो सकता है। ये तीनों के लिए हम बंच वर्ड यूज कर सकते हैं। चलिए, तो आज का सेशन में हम लोग शुरू करें। सारे लोग आ गए, आइए लेके चलते हैं। पहले साउंड वगैरह सब एक बार थोड़ा अपडेट कर दीजिए कि आपका साउंड वगैरह सब सही जा रहा है आप लोग को, ठीक है सब कुछ, तो सेशन प्रारंभ कर। चलिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन मैंने आपको ऐड कराया कि कलेक्टिव नाउन जो है वो एक नाम है समूह का, किनका? कॉमन नाउन। अब कोई भी बच्चा आपसे पूछेगा कि बताओ कि कलेक्टिव नाउन का नेचर कैसा होता है, तो आप खुद इमेजिन करो ये काउंटेबल नाउन का हिस्सा है, और काउंटेबल नाउन का हिस्सा होने के कारण ये आपके पास सिंगुलर होगा और प्लूरल भी होगा। सिंगुलर और प्लूरल इसके दो नेचर होते हैं। जब भी किसी नाउन के नेचर की बात होती है तो समझ जाओ कि आपसे ये पूछने की कोशिश की जा रही है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। सबको पता है कि जितना भी आपका कॉमन नाउन होगा और कलेक्टिव नाउन होगा
वो दोनों पार्ट होगा किसका, कॉन्टेबल, और कॉन्टेबल नाउन का पार्ट होने के कारण इनको सिंगुलर और प्लुरल दो समूहों में बांटा जा सकता है। इनका नेचर दो तरह का होगा। बात हो रही है कि आर्टिकल क्या लगाएंगे, तो सबको पता है कि कॉन्टेबल नाउन होने के कारण आप ए और एन सिंगुलर सेंस में लगा सकते हैं और द को प्लूरल केस में लगा सकते हैं। अगर प्लूरल सेंस की बात करेंगे तो द लगा देंगे और ए एन को तो पता ही है कि सिंगुलर सेंस में, यानी कि अगर पूछा जाए कि कलेक्टिव नाउन का आर्टिकल तो आप बता सकते हो कि तीनों लगा। अब हम लोग इसके टाइप्स की बात करने वाले हैं, तो आपको बताऊंगा मैं आगे के स्लाइड में, आगे की क्लास में, कि कलेक्टिव नाउन जो आपके पास स्टूडेंट होता है उसको तीन टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि नॉर्मल ग्रामर सेक्शन जो भी आपको टीचर पढ़ाते हैं, कलेक्टिव नाउन के उसके टाइप्स की बातें वहाँ नहीं होती हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल ग्रामर की बात करते हैं तो इसके तीन टाइप्स हैं। आते हैं आगे की बात के लिए, और आप लोगों को अपना नोटबुक रेडी करना है और उस नोटबुक में इस तरह से एक आपको डिजाइन बनाना। चलिए, टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन को मैंने आपको बोला कितना होता है, तीन होता है। पहला जो आपके पास टाइप आपको दिख रहा होगा, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब हमें समझना है कि जनरलाइजिंग में जो यहाँ पे जी चला गया है इसको यहीं पे रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं यही, तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में जी को वहीं पे ऊपर लेके चले। अब जो हमारे पास जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है उसका खास करके शुरुआत करते हैं, फिर हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव की बात। तो पहले हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन की तैयारी करते हैं। तो आप अपना पेज लो, पेज में एक और टाइप लिख दो, उसके बाद यहाँ पर या पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा आप लोग कॉलम बना, फिर नीचे रो भी आप है जो कि बना सकते हो आराम से। रो तो ऑलरेडी आपकी रोलदार कॉपी होगी तो बनी हुई होगी, अगर आपकी प्लेन नोटबुक है तो आपको रो और कॉलम दोनों डिजाइन करना। देखिए, सबसे पहले जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन बोलने से हमको सेंस आना चाहिए जनरल चीज़ों, मतलब ग्रुप का जब निर्माण होगा, ग्रुप का जो फॉर्मेशन होगा अलग 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 चीज़ों से। जैसे मेरे पास ये कलम है तो ये स्टेशनरी है, अगर आपके पास पेंसिल है तो वो भी स्टेशनरी है, अगर आपके पास शार्पनर है तो शार्पनर भी स्टेशनरी है, अगर आपके पास इरेजर है तो भी स्टेशनरी है। ये स्टेशनरी बोलने से आपका समझ में आ रहा है कि अलग अलग तरह के नाउन की बात हो रही है, ठीक है ना। यानी कि जो ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, ग्रुप फॉर्मेशन जो होता है वो अलग अलग नाउन से होता है, अलग अलग नाउन से ग्रुप का फॉर्मेशन हो। सबसे पहली बात ये सीखना है कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई आपका जो जनरल कलेक्टिव नाउन होता है उसमें ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हमारा जवाब आएगा कि ग्रुप का फॉर्मेशन जो होता है ना वो जनरल नाउन में खास करके अलग अलग तरह के नाउन से। अब खुद ही बोलो कि अलग अलग तरह के नाउन से जब ग्रुप का निर्माण होगा तो इसका नेचर कैसा होगा। तो इमेजिन करना, क्या हमारे घर वाले कभी हमारे लिए स्टेशनरी खरीद कर लाते हैं तो पूरा दुकान लेके आते हैं? आपका शायद जवाब होगा नहीं। तो हमारे घर वाले जब हमारे लिए कुछ मार्केट से खरीद के लाते हैं तो वो समान तौर पे कोई एक ही चीज़ लेके आते हैं। यानी कि स्टेशनरी अगर हम बोलते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे घर में कोई एक ही चीज़ आया होगा दुकान से और हमने बोला कि हमारे पापा हमारे लिए कुछ स्टेशनरी लाए थे। क्या फर्नीचर का उदाहरण समझ सकते हो? फर्नीचर के अंदर बेड है, सोफा है, टेबल है, चेयर है, बेंच होता है, डेस्क होता है, पोडियम होता है, ये बहुत कुछ है। आपका डाइनिंग टेबल है वो सब बाकी है, ड्रेसिंग टेबल बाकी है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं और ये भी अलग अलग तरह के नाउन से बनता है। तो इसका भी मतलब है कि फर्नीचर भी जनरल कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है, फर्नीचर भी जनरल कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है। अब बताओ, मम्मी ने कभी ज्वेलरी खरीदा है मार्केट से?
साउंड ओके साउंड ओके साउंड ओके। तो चलते हैं आगे। को सही है तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन की कहानी थी ना। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन के लिए हमारे पास में सबसे जरूरी जो चीज है वो ये समझना था कि ग्रुप का फॉर्मेशन हमेशा एक होता है। कि आप इमेजिन करो मतलब है स्टूडेंट कि ये कभी भी यूज होंगे तो किस सेंस में यूज होंगे, प्लूरल सेंस में। क्यों? क्योंकि समूह का मतलब एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा समूह का मतलब हो जाएगा आपके पास में प्लूरल। तो चलो सबसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने क्या उठा लिया, भेड़ को। अब जरा सा कैटल बोल के देखो, कैटल का हिंदी होता है गाय भैंस बकरी, लेकिन सब शाकाहारी जानवर। ऐसा नहीं है कि इसमें आप मांसाहारी जानवर के कॉम्बिनेशन को रख सकते हो। जगह कैटल का तो वो एक से ज्यादा तरह के जानवरों की बात होती है, और इसीलिए इसका प्लूरल सेंस ही होगा। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ से बाय द वे फिश। अब बताओ मछली बोलते ही आपको एक एक्वेरियम नजर आता है और उसमें बहुत सारी मछलियां नहीं लेकिन काफी मछलियां। तो फिश जो बर्ड है ये भी आपका कलेक्टिव नाउन है। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं आपकी सुविधा के लिए आप एनिमल किंगडम में चले आओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। एनिमल किंगडम की दुनिया से खुद को एनिमल मानते हैं अगर, तो ले लो पुलिस। क्या ले लो? पुलिस। अब बताओ पुलिस बोलते ही आपके दिल दिमाग में क्या ख्याल आता है? तो मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट का जवाब होगा कि सर पुलिस बोलते हैं तो एक गाड़ी में चार पांच लोग नजर आते हैं। यस, बिल्कुल सही नजर आ रही है। तो पुलिस वर्ड आपके पास में प्लूरल नाउन का उदाहरण है, एक से ज्यादा लोग यानी प्लूरल नाउन की बात। आप ही बताओ जब हम चिल्ड्रेन वर्ड बोलते हैं तो क्या एक बच्चे की कहानी समझ में आती है? तो कहोगे नहीं सर, एक से ज्यादा बच्चों की कहानी समझ में आती है चिल्ड्रेन। अगर आप ऑक्सन की बात करते हो तो यहाँ भी प्लूरल नाउन की कहानी है। चलिए तो ऑक्सन यानी बैलों की बात हो रही है, यहाँ भी कम से कम एक से ज्यादा की बात हो रही है। अगर हम ऑडियंस बोलेंगे तो क्या समझ में आएगा आपको? तो कहोगे सर इसमें भी सिंगुलर प्लूरल दोनों समझ में आएगा। ऑडियंस का मतलब एक से ज्यादा ही लेकिन समझ में आएगा, एक तो समझ में आना ही नहीं चाहिए। बताइए हम कोई शो कब करेंगे एक आदमी को बैठा के? नहीं, एक से ज्यादा लोग जब होंगे तब ना ऑडियंस बोलेंगे, इसलिए ऑडियंस वर्ड को भी प्लूरल माना जाएगा। ठीक है, अब मुझे समझ में एक चीज आ गया है कि एक तरह के बहुत सारे नाउन होने के कारण इनका जो नाउन सेंस होगा वो हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। चलो इनका जो नेचर होगा वो हमेशा प्लूरल मानते हैं। चलिए तो ऑलवेज प्लूरल। अब जो नाउन प्लूरल हो ही गया उसमें एस और ईएस की आवश्यकता है क्या? नहीं है तो मत लगाओ। ठीक है, तो एस और ईएस इनके साथ भी अप्लाई। अब बात हो रही है भव, जब ये नेचर ही प्लूरल है तो भव हमेशा कैसा यूज करेंगे? एग्जांपल्स आप समझ चुके हो, अब हम लोग चलते हैं आगे की कहानी। नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जैसा काम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसा उसका नेचर होगा। आप ही बताइए अगर एक छोटा सा इंस्टीट्यूट और किसी बच्चे को रखना है किसी बच्चे को नहीं रखना है, यानी एडमिशन किनका लेना है किनको रिजेक्ट करना है किनको और पढ़ के आने के लिए बोल करके एडमिशन बाद में लेना है, तो उसके लिए एक बोर्ड होता है। कई बार छोटा सा इंस्टीट्यूट होने के कारण एक अकेला आदमी बोर्ड का मेंबर होकर के संभाल लेता है, और कई बार दो तीन चार लोग होते हैं, वो चारों लोग मिल करके आपका इंटरव्यू वगैरह क्लियर करते हैं और उसके बाद आपको एडमिशन देते हैं। तो बोर्ड में अगर छोटा है मैनेजमेंट सेंस तब हम सिंगुलर मान रहे हैं, और जब इसका प्लूरल सेंस मानते हैं इसका मतलब एक से ज्यादा या बड़ा सेंस है। तो सिंगुलर का भी सेंस आ सकता है ऐसे नाउन का, प्लूरल का भी सेंस आ सकता है ऐसे नाउन का। बात यहाँ पे हो रही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में ग्रुप का जो निर्माण होता है एक या एक से ज्यादा नाउन से।
एक या एक से ज्यादा, कभी इसमें एक नाउन भी है और कभी एक से ज्यादा। अब कहोगे ये सीधे सीधे क्या हो रहा है ना सर, कि जनरल कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन दोनों को मिला दिया गया, तो यही बात समझ में आ रही है। अब जरा सा समझते हैं आगे, जब इनका नेचर सिंगुलर प्लुरल दोनों का है तो फिर से एस और ईएस कब लगेगा कब नहीं लगेगा वाला कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसमें भी एस और ईएस नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे। आगे है कि भाव क्या होगा, तो सर भाव सिंगुलर भी होगा भी होगा। अब सवाल ये है कि कब सिंगुलर कब प्लुरल, चलो तो उसको हम स्पेशल नोट में सिखाएंगे, यहाँ पे उतना जगह नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड लेंगे उसमें सिखाएंगे। एग्जाम्पल की बात कर रहे हो तो चलो लेके चलते हैं कमेटी के पास। ओके हाँ सर, कमेटी एक आदमी भी हो सकता है, कमेटी में मेंबर हो और एक से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। अभी आप सर बोल रहे थे किसके बारे में, बोर्ड के बारे में, तो आप ही बताओ कि किसी इंटरव्यू को लेने के लिए एक आदमी भी हो सकता है बोर्ड मेंबर और एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं बोर्ड मेंबर। अब कहोगे कि और अब कहाँ से एग्जाम्पल दिखाओगे, क्यों मेरे पास एग्जाम्पल क्यों खत्म हो जाएगा भाई, और भी एग्जाम्पल है। हो सकता है कमेटी और बोर्ड के अलावा हमारे पास टीम भी हो। अगर आप ही बात करो कि कैरम का टीम भारत की ओर से भेजा गया, तो कैरम खेलने के लिए भारत से कितना बच्चा जाएगा, तीन खिलाड़ी ना जाएगा, तो टीम एक खिलाड़ी का नहीं हुआ हुआ, अरे 11 खिलाड़ी का भी होता है। क्रिकेट फुटबॉल हॉकी की बात कर लो, 11 11 खिलाड़ी हो जाएंगे, इसका मतलब टीम एक आदमी से भी बन रहा है एक से ज़्यादा से भी बन रहा है। चलो अब उसी तरह से बोलो पैनल, उसी तरह से जज के समूह यानी ज्यूरी की बात कर लो। अब जब ये सारे शब्द हमारे पास आएंगे तो समझ जाना है कि ये सिंगुलर भी हो सकते हैं प्लूरल भी हो सकते हैं, एक आदमी भी मेंबर हो सकता है एक से ज्यादा भी। अब जिनको भी ये चीज को करना है कंटिन्यू, इस चीज को पहले एक बार रिव्यू कर लो। कलेक्टिव नाउन के तीन टाइप हम लोगों ने क्लियर किए हैं, जनरल कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव। जनरल कलेक्टिव नाउन में नाउन का निर्माण अलग अलग तरह के जनरल डब्बे की तरह होता है, और जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन है उसमें एक तरह के नाउन से निर्माण होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव में आपका समूह में एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये बात सीखी हमने। जनरल कलेक्टिव नाउन में ज्यादातर हम ये सब चीजों की जब खरीदारी करते हैं मार्केट से या घर पे लाते हैं तो ज्यादातर हम एक ही कोई चीज लाते हैं, इसलिए हम लोग इसको सिंगुलर मान के चलते। लेकिन जब ग्रुप कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो चाहे भेड़ हो, मवेशी हो, मछली हो, पुलिस हो, बच्चे हो, ये सब हमको एक से ज्यादा दिखते हैं, इसलिए मार्केट में जब भी इनसे मुलाकात हुई प्लूरल हुई, इसलिए इनका भाव क्या करना है प्लूरल। एस और ईएस हम किसी में भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब ये ऑलरेडी कलेक्टिव नाउन है तो एस और ईएस का जरूरत। चलिए बाकी आपने एग्जाम्पल्स ही देखे थे। आइए डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के बारे में मैं आपको बताने वाला था ना। सबसे पहले हमें समझ में आया क्या कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का जो भाव है टीचर सिखाने वाले हैं दो तरह से। चलो ये सिंगुलर भाव कब लेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो होता है सिंगुलर भाव लेगा, बताओ सर ऐसा कब करोगे, यदि ये सिंगुलर भाव लेगा अगर क्वेश्चन में आपके पास वन यूनिट का सेंस हो, एक यूनिट का सेंस होना चाहिए। दूसरी बात हमेशा ध्यान देना कि कभी कभी सर टी ट्रिक्स वगैरह बताएंगे, ये ट्रिक्स यहाँ पर ये है स्टूडेंट कि सिंगुलर भाव लेगा अगर एक यूनिट का सेंस हो। अब बच्चों को एक यूनिट पकड़ने या बनाने नहीं आता, तो उनके लिए एक तरीका है कि आप क्वेश्चन में क्या देखो, इट्स देखो, क्वेश्चन में क्या देखो, सेम देखो, क्वेश्चन में क्या देखो, सिमिलर देखो, क्वेश्चन में क्या देखो, यूनाइटेड देखो, क्वेश्चन के अंदर अनोनिमस चेक कर। ये बात समझ में, अब ऐसे एडजेक्टिव जब रहेंगे आपके पास में तो समझ जाना कि क्वेश्चन का जो सेंस है उस नाउन का वो सिंगुलर भाव की बात करने के लिए जा रहा है। ये बात समझ में, अब इतनी सारी कहानी मैंने आपको सिखा दी है, पढ़ा दी है कि कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का भाव सिंगुलर प्लुरल दोनों जब होता है तो बचने का तरीका हमने बता दिया कि वन यूनिट का सेंस पकड़ लो, या तो इट्स, सेम, सिमिलर, यूनाइटेड, एनोनिमस जैसे एडजेक्टिव को देख लो। दूसरा है कि आपको जो सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन है या कलेक्टिव नाउन है उसका भाव प्लूरल रखना है। क्या रखना है, प्लूरल भाव रखना है। आप तो डिस्ट्रीब्यूटिव आपका जो नाउन है कलेक्टिव वो आपका प्लूरल भाव लेगा यदि,
कंडीशन क्या है सर? देखिए कंडीशन ये है, एक से ज्यादा यूनिट का क्या होना चाहिए? सेंस हो। अब एक से ज्यादा यूनिट का सेंस कैसे पता चलेगा सर? एक से ज्यादा यूनिट का सेंस क्यों नहीं पता चलेगा सर? क्वेश्चन में आपको दिखाई पड़ेगा इट्स के जगह पे अब क्या, डियर। ईट होता है सिंगुलर, तो उसका एडजेक्टिव इट्स क्या है, सिंगुलर सेंस देता है। लेकिन जब डियर का यूज कर रहे हो, इसका मतलब दे से बना है, दे प्लूरल होता है, प्लूरल सेंस में समझ जाएंगे कि इसे एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, प्लूरल भाव दे देना है। चलो उसके बाद जो सेम और सिमिलर था उसके जगह पे लिख दो डिफरेंट और डिवाइडेड, डिफरेंट डिवाइडेड या सेपरेटेड। अब देखो असाइनमेंट कई बार होता है कि आप नॉट के साथ भी देख सकते हो, यूनाइटेड, नॉट यूनाइटेड, नॉट एनोनिमस। तो ये समझाने का कोशिश है मेरा कि क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे देखना है कि प्लूरल नाउन सेंस, प्लूरल यूनिट, विभागीय बंटवारा, अंतर विचार का, ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन अगर दिखाई पड़ रहा है, समझ जाना कि क्वेश्चन में प्लूरल वर्ब का डिमांड होने वाला है। अब मैं चाहूंगा क्या कि इसी स्लाइड में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं और उस सारे क्वेश्चंस को आप लोग कर लो। चलो तो इस स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर, हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आते हैं। चलिए कम से कम एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सेम टाइप का हम लोग करेंगे ताकि कंफ्यूजन, डाउट जो भी आपके मन मस्तिष्क में आ रहा है वो मिटे तो सही। जैसे मैंने कहा द कमिटी, ठीक है सर, कमिटी हो गया। अब कमिटी जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है अभी पता मत करने लगना, अभी थोड़ा सा दूर है इसका भव। हैज और हैव मैंने ले लिया और बीन के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया अनोनिमस। क्वेश्चन का हिंदी समझदार बच्चों की तरह करो कि कमिटी जो थी एकमत थी। अनोनिमस का हिंदी क्या होता है? एकमत। एकमत का मतलब ऐसा डिसीजन जिसमें सब लोग सहमत। अब अनोनिमस का मतलब सब लोग मिल करके भी कितना डिसीजन निकाल रहे थे? एक डिसीजन। अब एक डिसीजन का मतलब सिंगुलर है और सिंगुलर होने के कारण क्या आंसर कर लेंगे? चलो सेम क्वेश्चन यही हम आपको देते हैं, क्या मैंने लिख दिया? द कमिटी। ऑप्शन में हैज और हैव को ही वर्ब के तौर पे यूटिलाइज करते हैं इन, और यहाँ पे जो अनोनिमस है उसके आगे लिख देते हैं डिवाइड। अब कहने वाला कहना क्या चाह रहा है कि कमिटी जो थी वो डिसीजन मेकिंग के मामले में अलग अलग डिसीजन ले रही थी, यानी एक से ज्यादा लोग हैं उसमें, और एक से ज्यादा लोग हैं तब तो ये डिवाइडेड हो रहे हैं, अलग अलग विचारधाराएं रख रहे हैं। अब ऐसे केस में हम हैज नहीं क्या रखने वाले हैं? तो नो डाउट आप लोगों का जो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का मैनिया, थोड़ा सा डर ये निकला होगा। चलिए अब स्पेशल नोट्स की मैं बात करूंगा। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में है तो स्पेशल कुछ खास नहीं, लेकिन बच्चों को थोड़ा मैं हेल्प कर देता हूँ। सबसे पहली बात, आप लोगों ने कभी भी रीजनिंग वाले सर से क्लास किया है एनालॉजी और क्लासिफिकेशन का? वो रीजनिंग वाले सर ना बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कलेक्टिव नाउन से इंस्पायर्ड होते हैं। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो कलेक्टिव नाउन का ज्ञान है, चलो पहले तो कलेक्टिव नाउन का जो नॉलेज आपको अब तक हम देंगे, अब ये दिए तो बहुत कम है। कलेक्टिव आपको हेल्प करते हैं, इनको भाई हम लोगों को हेल्प करते हैं टू सॉल्व क्या सर क्वेश्चन, क्या चीज का क्वेश्चन? एनालॉजी और क्या सर? क्लासिफिक, क्लासी ऑड वन आउट, मतलब सर ये सारे क्वेश्चन बनाने में आपका बहुत हेल्प। अब जरा सा मैं दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया फाइंड ऑड, क्वेश्चन आ गया आपके पास फाइंड ऑड वन। अब जरा ऑप्शन देखिएगा, पहला लिख दिया उसने टीम, दूसरा में उसमें लिख दिया पीपुल, तीसरा उसने लिख दिया प्लेयर्स, और चौथा उसने लिख दिया चिल्ड्रन। अब जरा सा गौर करना, इस बात को समझना, हमारे पास में जो पीपुल था एक कॉमन नाउन था, हाँ
कलेक्टिव नाउन वाला फीलिंग आएगा, प्लेयर्स भी कॉमन नाउन है ठीक है, और चिल्ड्रेन भी क्या है कॉमन नाउन है, जिसका सिंगुलर प्लूरल आपको सिखाया था वो कॉमन नाउन था। तो टीम जो है ये प्लेयर का समूह है, प्लेयर्स का क्या है समूह, यानी ये जो है आपके पास में क्या चीज है कलेक्टिव, और यही हो गया हमारे पास में क्या। तो भाई आपके पास एक बेसिक स्किल हो जाता है सबसे पहले क्या करने का, कि नाउन में कब कॉमन नाउन और कब कलेक्टिव नाउन का हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ये रीजनिंग एनालॉजी वगैरह में आपका क्वेश्चन इस तरह से एक बेसिक क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ ठीक है ना, ये तो बेसिक क्वेश्चन आपने एक देख लिया, अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसे आएगा, क्वेश्चन नंबर वन इसको मान लो, क्वेश्चन नंबर यहां पर आपको दे दिया ग्रुप आपका किसके लिए बॉयज के लिए। अब यहां से आपको पूछ दिया क्वेश्चन मार्क लगा, और यहां पे दे दिया आपके पास में चोरों का समूह, क्या पूछ दिया। अगर आप जानते हो तब तो बहुत अच्छे बच्चों की तरह जवाब दे पाओ। पहला ऑप्शन में गैंग है, दूसरा में आपके पास में है कोर्स, तीसरा में है स्ट्रिंग, चौथा में फिर आपके पास में है बेबी। अगर आप नहीं पढ़े हो, अभी आगे सब पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़े हो तो दिक्कत तो होगा। अब हमें पता है कि लड़कों का समूह तो कहलाता है ये, तो चोरों का समूह क्या कहलाता है, तो चोरों का समूह कहलाता है आपका गैंग। पढ़े ही होंगे कि मेरा गैंग या इस गैंग को पुलिस वालों ने पकड़ा है रंगे हाथों। तो अगर आप जानते हैं तब तो बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं ना कि जानने और ना जानने के बीच में पढ़ने का फर्क है, तो जानने और ना जानने के बीच में ये पढ़ने का जो फर्क है इसको खत्म करते हैं, चलते हैं पढ़ाई करते हैं। चलिए कलेक्टिव नाउन का सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा सा देखो स्पेशल नोट में एक चीज और हम आपको वार्निंग दे देते हैं, थोड़ा सा बहुत जरूरी है लाइफ में एक बात हमेशा ध्यान देना है कि नाउन एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोगों के अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है, और कई वजह से जो टीचर नहीं पढ़ाते हैं उसमें एक सबसे बड़ा वजह यही होता है कि उनका कहना है कि नाउन वगैरह क्या पढ़ाएं, ये तो बच्चे अपने कॉमन सेंस से बना लेते हैं। तो सर के कहने का स्टेटमेंट को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या सच में कॉमन सेंस से बन सकता है। देखिए यहाँ अगर हम यहाँ बोलते हैं न्यूज, अब हम यहाँ बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, अब जरा सा सोच करके बताना क्या ये दोनों सेम चीज नहीं है। हाँ सर सेम चीज है। तो न्यूज और इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि एक ऐसा कलेक्शन जिसमें अलग अलग तरह की बात है, किसी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरह का होगा, न्यूज़पेपर में खबरें अलग अलग तरह की होंगी, यानी ये अलग अलग तरह के नाउन से बना हुआ है। तो सिंगुलर मानेंगे कि प्लूरल मानेंगे कॉमेंट में बताओ। चलो न्यूज और इन्फॉर्मेशन को सिंगुलर मानेंगे या प्लूरल मानेंगे ये पूछा गया, शायद आप लोगों ने जवाब ढूंढ लिया होगा कि सर हमको लग रहा है सिंगुलर होगा, एक खबर को भी न्यूज ही कहेंगे, एक से ज्यादा खबर को भी न्यूज ही कहेंगे। मम्मी जो घर पे आपका काम करती हैं वो एक से ज्यादा ही तो करती हैं, लेकिन आप फिर भी एक ही काम ही बोलते हो, कामों की बात तो हो नहीं पाती है। हम लाइफ में जो गलती करते हैं कोई जो लाइफ टाइम याद रहता है उसको मिस्टेक नहीं मिसचिप भी कहते हैं, व्यवहारिक गलती। चलिए उसके बाद हम लोग कहीं घूमने जाने के लिए जो भी चीज अपने यहाँ पैक करके रख के सरिया के जाते हैं, फर्नीचर वगैरह एकदम बढ़िया से है ना ढक उक के, उसको फर्नीचर कहते हैं। कई बार हम बाहर जाने के दौरान जो अपने साथ लेके जाते हैं चीजों को, उन्हें लगेज कहते हैं। चलो अगर हम थोड़ा सा शादी वादी या कोई ओकेजन पे पहनने की बात करें तो ज्वेलरी की बात करते हैं। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ज्वेलरी तो हो गया, प्राकृतिक दृश्यों की बात हो रही है तो सीनरी की बात हो रही है। अगर आपके दिल दिमाग में कोई कहानी नहीं कविता चलती रहती है जो अभी तक आपने पेपर पे उतारा नहीं है, इसे पोएट्री कहा जाएगा, पोयम नहीं कहा जाएगा। पोयम का मतलब कवि का नाम पता होगा और लिखित होना चाहिए, और पोएट्री जो हमारे मन मस्तिष्क में हम लोग गुनगुनाते रहते हैं। आपके घर में मान लो कि होंगे छोटे छोटे बच्चे, तो उनको पढ़ाने के लिए आप क्या खरीद के लाते हो, स्टेशनरी। आपके घर का अगर पंखा खराब है तो उसे खोलने के लिए क्या चाहिए, मशीनरी। अब और भी चीजें हैं, अगर हमको हल्का फल्का डेकोरेशन आपका घर का करना है तो क्या लेके आएंगे। अब ये सारी चीजें जो है ना ये हमेशा सिंगुलर है,
इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करें। एस और ई एस तो मैंने लगाने से एकदम मना किया, वो नहीं लगा। चलो अब जो दूसरा है वो, अगर बात आती है कैटल की, बात आती है सीप की, बात आती है डियर की, बात आती है ऑक्सन की, बात आती है फीस की, बात आती है पीपल की, बात आती है पुलिस की, बात आती है चिल्ड्रेन की, बात आती है ऑडियंस की, बात आती है ऑडियंस की, या कल के डेट में कहीं किसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान बात उठती है एविडेंस, किसी इलेक्शन में वोट देने वाले इलेक्टोरेट की, ये क्या कभी एक दिखाई पड़े हैं? आपका जवाब जल्दी से मुझे चाहिए। शायद आप लोगों का जवाब होगा नहीं सर, ये कभी सिंगुलर नहीं थी। बताइए क्या मार्केट से कभी राशन लेकर के लौटे हैं आप? कहेंगे सर राशन लेके लौटे हैं। क्या किसी लेटर में कंटेंट एक चीज लिखे हैं आप? नहीं सर, एक से ज्यादा लिखे हैं। ये सारे के सारे प्लूरल कॉम्बिनेशन के ग्रुप हैं। आप ही बताओ, क्या जो आप चश्मा पहनते हो पावर वाला वो सिंगल होता है? नहीं सर, ये दो का ग्रुप है ना, दोनों आंखों के लिए ग्लासेस होते हैं आपके यहाँ। आप जो शॉर्ट्स पहनते हो जिसको हाफ पैंट भी कह देते हो, क्या वो सिंगल है? नहीं, वो भी दो का कलेक्शन है, दो का पेयर कॉम्बिनेशन है। ये सारे के सारे जो नाउन हैं, ये सब हम लोग बोलेंगे ऐसा प्लूरल वर्ब डिमांड करेंगे। क्लियर? ये सारे के सारे प्लूरल वर्ब डिमांड करेंगे आपसे। ये थोड़ा सा याद कर लेना, स्पेशल नोट है, और ये बहुत एग्जामिनेशन में इससे बहुत सारे शब्द आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जो स्पेशल नोट का कॉर्नर है इसकी अभी बात नहीं करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट पे काम करें। बहुत कुछ पढ़ा दिया आपको मैंने, कमेंट सेक्शन में जवाब देना है तो दे दो। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, विच वन इज नॉट ए टाइप। तीन तरह के कलेक्टिव नाउन होते हैं, कौन सा इसमें टाइप? चलिए बताइए। ग्रुप कलेक्टिव नाउन, यस। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, यस। और अट्रिब्यूटिव? नो नो नो, डिस्ट्रीब्यूटिव था ना। आंसर क्या हो जाएगा? बी, ये आपका कोई टाइप नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस थकिएगा नहीं। कह रहा था कि जो शीप्स होते हैं, भेड़ होते हैं, वो इकोनॉमिकली काफी उपयोगी होते हैं, और इन्हें माना जाता है कि इन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में पालना आसान होता है। बताइए इस सेंटेंस में गलती क्या है? बातचीत में गलती नहीं है, सेंटेंस के किसी शब्द में गलती है। बात तो बिल्कुल सही है, काफी उपयोगी होते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में पाले जाते हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में जवाब का उम्मीद है आपसे। तो कहेंगे सर आपने बोला था कि ये जो झुंड में रहने वाले होते हैं ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, तो एस लगाने की आवश्यकता, ठीक है। चलिए सीप में क्या हटा देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है, कैटल्स है ना, बात हो रही है क्वेश्चन में किसकी? कैटल्स। चलिए तो कैटल्स का हिंदी हम लोग करेंगे बाद में, पहले क्या कैटल्स होता है? हम मवेशी चराने की बात कर रहे हैं किसी आदमी का, क्या मवेशियों की बात सुने हैं? कहेंगे नहीं सर, ये सब मवेशी शब्द का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। चलो मवेशी शब्द का जब प्रयोग होता है तो यहाँ पे कैटल का एस जो है वो गलत है कि सही है, ये आपसे पूछा जाए। चलिए फटाफट बता दीजिए, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। आपने कहीं पर भी बोर्ड एक लगा दिया है और उस बोर्ड पे आपने लिख दिया है यह स्टेटमेंट, लेकिन मैंने उस बोर्ड में गलती निकालने का फैसला किया। क्या फैसला किया मैंने? गलती निकालने का। बताइए गलती मुझे क्या पता चलेगा? आपके स्टेटमेंट में कैटल में क्या ऐसा चलेगा? सर आप कैटल को एंट्री मत दो, लेकिन सेंटेंस में गलती की एंट्री भी, कैटल ऑलरेडी प्लूरल नाउन है, ऐसा हटाना था। देखो क्या सेम क्वेश्चन है, 20 cattle bear found wandering on the road. एक सड़क था और उस सड़क पर 20 cattle, 20 मवेशी चहल रहे थे, चल रहे थे, घूम रहे थे, भटक रहे थे। फिर से सेम कहानी है, cattle में क्या हटा देंगे, है ना, cattle हमेशा सिंगुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इरेमी हैज रिसीव्ड मेनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ आवर आर्मी। हमारे दुश्मन को हमारी आर्मी के बारे में सूचना मिल गया था। बताओ सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन,
क्या न्यूज का साइनो है? जी सर। तो फिर इसमें आपको मैंने क्या लगाने से मना किया? एस। मैनी को रहने दो, मैनी को मत कुछ करो, लेकिन इन्फॉर्मेशन में बता दो। अब बताओ किसी भी आदमी के जो ट्रांसफर के ऑर्डर आते हैं क्या वो एक जगह से आते हैं, एक आदमी का साइन होता है उसमें, या एक से ज्यादा लोग साइन करके उसके ट्रांसफर लेटर को भेजते हैं? जैसे एक किसी भी एसआई का ट्रांसफर है, उसके ऊपर वहाँ का जो होंगे एसपी उनका साइन होगा शायद, उस एसपी के ऊपर के अधिकारी का साइन होगा, उस एसपी के अधिकारी के ऊपर के अधिकारी का साइन होगा, सीएम का साइन होगा या राज्यपाल का साइन होगा। तो ये आपका जो ऑर्डर होता है हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। तो पहली बात है कि ऑर्डर बिना एस का नहीं लिखना। जब ऑर्डर में एस लगाने की बात हो रही है तो डी भी कैंसिल हैव के साथ बिन, हैव के साथ बिन, दोनों ऑप्शन ही जब सेम है तो दोनों फिलहाल ठीक करेंगे। ऑर्डर्स हैव बिन, ऑर्डर्स हैव, दोनों ऑप्शन सेम था, ऑर्डर्स हैव बिन इस। दूसरा तरीका है, आप ही बताइए कि जब हम रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाने चाहते हैं क्या उसमें एक चीज का ऑर्डर देते हैं? शायद आपका जवाब होगा नहीं सर, एक से ज़्यादा चीज़ का ऑर्डर देते हैं। जब एक से ज़्यादा ही चीज़ का ऑर्डर आप देते हैं तो ऑर्डर नहीं ऑर्डर्स बोला करिए इस लगा के। चलिए बताइए इसमें क्या दिक्कत है? उत्तराखंड की पहाड़ियाँ जो हैं खास करके प्रचुर हैं और यहाँ प्राकृतिक दृश्य का भरमार, प्राकृतिक दृश्य का भरमार है। तो क्वेश्चन में सर सीनरीज नहीं होना था, क्या होना था? सीनरी होना चाहिए। तो आपने सीखा था कि सीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर ये सब को सिंगुलर मानना है, जनरल कलेक्टिव नाउन मानना है, तो सीनरीज को सीनरी कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया था कि हम जो लाइफ में गलतियां करते हैं उसको कहा जाता है मिस्टेक नहीं मिसचीफ। व्यवहारिक गलतियां मिस्टेक नहीं मिसचीफ होती हैं। क्या मिस्टेक है इसमें? चिल्ड्रेन आर डू मेकिंग इफ दे हैव नथिंग टू डू, बच्चों को कोई काम ना दो तो घर में गलती कर करके भर देंगे। तो आपने सीखा था कि मिसचीफ का प्लूरल नहीं होता है एस लगा करके, इसलिए मिसचीफ सही था या तो मिस्टेक सही था। तो बेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करना है तो आंसर डी कर लो, या तो हम लोग अनकंटेबल सेंस में मिसचीफ बोल देंगे या तो क्या बोल देंगे मिस्टेक। चलिए आंसर बेस्ट अगर चुनना है तो डी कर लो। आइए क्वेश्चन है, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर सो आई एम नॉट अबाउट इट्स ब्लैंक। आप ही बताइए, अगर हम लेटर आपको भेजे हैं और अभी तक आप लेटर देखे भी नहीं किए हैं तो आप इसके कंटेंट नहीं जानते कि कंटेंट्स नहीं जानते। तो लेटर में एक से ज़्यादा तरह की बातें होती हैं। अब लेटर में जब एक तरह से ज़्यादा तरह की बातें होती हैं तो कंटेंट्स की बात करनी थी, तो आंसर आपके पास हो जाएगा बी नंबर। चलिए अब जल्दी से सेशन हम लोग करेंगे कंप्लीट, क्योंकि अब प्रैक्टिस ही बचा है इसके अंदर। I shall have not attended the meeting since I have to complete in allotted time. दिए गए समय में मुझे बहुत सारा काम करना था इसलिए मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। जल्दी से जवाब दो, काम हो या बहुत सारा काम हो, गिनती करेंगे प्लूरल में? नहीं, जनरल कलेक्टिव नाउन है, एस लगाना मना है, तो वर्क में एस हटा दो सारे ऑप्शन से। आंसर जो बच गया विदाउट एस वाला वो हो गया आंसर सी नंबर, आप कर सकते हो। आते हैं अगले क्वेश्चन में, अब जरा सोच समझ करके जवाब देना। इन्फॉर्मेशन, न्यूज, एडवाइस ये सब तीनों सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं? चलिए स्टूडेंट, तो आपका आंसर इसमें आ रहा है एडवाइस विदाउट एस अगर, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने कहा ना कि एडवाइस को गिनती नहीं करेंगे तो ए और एन भी नहीं लगाएंगे, एस भी नहीं लगाएंगे, आंसर क्या कर देंगे एडवाइस। चलिए क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, आपके घर में या आपके डिपार्टमेंट में खत्म हो गया था और आपको इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी थी क्योंकि यही उसको लीड करते थे। तो बताइए कि कोई भी व्यक्ति जिसको लीड करता है वो आदमी को सूचना दे रहे हैं क्या चीज का, कि राशन खत्म हो गया। तो राशन में एक तरह की चीज आती है क्या?
कभी भी क्वेश्चन में खाने पीने या राशन की बात होगी तो एक तरह से ज्यादा नाउन की बात होगी, तो राशन बिना एस का नहीं लिखेंगे। अब जब राशन एक से ज्यादा होगा तो भव सिंगुलर नहीं लिखेंगे, तो राशन में क्या लगाएंगे पहले, तो एस लगाएंगे। आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर ये है। किसी भी सेना में जो आर्मी होती है उसकी जो इनर्जी होती है वो हमेशा हाई ही होनी चाहिए, और ये आप लोग आ भी रहा था सुन भी रहे थे कि हमारी सेना जहां जहां लड़ रही है सब जगह मोरल हाई है, ऊर्जा हाई है, एनर्जी हाई है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सब्जेक्ट आपको पता चल गया, क्या चीज आ रहा है, खबर आ रहा है। खबर हमेशा सिंगुलर होती है, सिंगुलर का कर मतलब है प्लुरल ऑप्शन कैंसिल कर देंगे। क्या बच गया, बच गया आपके पास में। आइए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आप ही बताइए किताबों की बात करिएगा कि वैरायटी की बात करिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि दिमाग पे जोर आप लोग खुद लगाओ, लगाओ जोर जल्दी से बताओ आंसर। देखिए कह रहा था कि वैरायटी ऑफ बुक जो है वो अट्रैक्टिव है, यानी किताबें अट्रैक्टिव तो होती ही हैं, लेकिन किताबों का ये वाला वैरायटी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो जब भी क्वेश्चन में किसी नाउन के साथ में अगर ऑफ लगा देते हो तो उसके पहले वाला जो नाउन है वो बन जाता है सुपर हीरो, यानी सब्जेक्ट। इंग्लिश में सुपर हीरो मतलब सब्जेक्ट, तो सुपर हीरो बन जाता है वैरायटी, और वैरायटी है जो कि सिंगुलर है, तो आंसर हो जाएगा इन। चलो सर अब यहाँ से बताओ, क्या मैंने सिखाया न्यूज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ये सब कभी भी आएंगे सेंटेंस में सिंगुलर का सेंस लेके जाएंगे। तो जब ये सिंगुलर का सेंस ही लेके जाएंगे तो नो डाउट इनका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर हो जाएगा इसका मतलब है कि आंसर हमको ये नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या लगा दिया है, एस लगा दिया। ये आपका आंसर गलत था, आंसर कर लेना है तो कर लीजिए। आइए ऑल द अगेंस्ट हिम, सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, याद है ना जज साहब का स्टेटमेंट। अगर आप फिल्मों को नहीं देखते हैं तब दिक्कत है, क्योंकि हमारी क्लास में उदाहरण तो उसके मिलेंगे। तो कहता है सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, तो सारे सबूत का मतलब है कि आप सबूतों का हिंदी कर ही कहाँ रहे हैं जो एस लगाइएगा। तो सारे सबूत को मद्देनजर रखते हुए यानी बिना एस का प्लूरल, और जब बिना एस का प्लूरल है तो नो डाउट आंसर क्या करेंगे, है ना, तो आंसर कर लीजिए एक नंबर। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक किसान था वो ले जा रहा था फिले, है ना, और उसके बाद सुबह सुबह का ये घटना, तो किनको ले जा रहा था, जानवरों को, जानवर में किनको, ऑक्स को। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस कब से होने लगा, क्या होता है, ऑक्सेन। आंसर क्या कर लेंगे, एक नंबर। चलिए कमेंट सेक्शन में जवाब देना है तो फटाफट दे दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका देर होते होते आंसर तो आ चुका होगा। बताइए क्या सोच रहे हैं, ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल फाउंड इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में चश्मा मिला है कि चश्मे का एक जोड़ा मिला है, क्या चर्चा का विषय है, चश्मा नहीं चश्मे का जोड़ा। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन पीछे बताया था कि अगर नाउन के बाद ऑफ लग जाएगा तो सुपर हीरो कौन आपके पास में हो जाएगा, उसके पहले वाला। तो सुपर हीरो कौन है, पेयर, जो किसके साथ है, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के कारण ऑप्शन प्लूरल वाला कैंसिल करके क्या कर देना, बहुत अच्छा सही है। अब यहां से आओ, यही तो आपको सिखाना था आज के क्लास में, ये तो बीच में जो आप क्वेश्चन बना रहे थे वो तो जीनियस माइंड वाला काम कर रहे थे, जो सिखाए थे वो था ये करो और याद करो। जब भी बोले कि कार्ड का कलेक्शन तो क्या याद कर लेना है, पैक, क्या बोलेंगे, पैक ऑफ कार्ड्स। ए सोल ऑफ क्या याद कर लेना, फिश, मछलियों का तैरते हुए जो झुंड होता है साथ में उन्हें कहा जाता है। चाबियों का गुच्छा क्या कहलाता है, बंच, चाबियों का गुच्छा बंच। घटनाओं का समूह को सीरीज कहा जाता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स। क्वायर का मतलब होता है समूह, किनका भाई, तो सिंगर्स का। आप ट्रूफ वर्ड भी यूज कर सकते हो, या तो क्वायर वर्ड याद करो या तो ट्रूफ वर्ड याद करो, और दोनों किसके लिए यूज करना, सिंगर्स के लिए। चलो ये सब याद करना है, इसलिए आराम से वीडियो को रोक करके एक बार नोटबुक बना लीजिएगा, एप्लीकेशन पर अगर आप हैं तो। उसका मतलब ये नहीं है कि मस्ती होगी, क्लास होगी, क्लास को थोड़ा सा नोटबुक बना करके अपडेट कर लेना है। आप ही बताओ प्लेइंग कार्ड का समूह, तो कहोगे सर फ्लॉक नहीं, क्या बोलना है,
शायद ये सेम ही स्लाइड है आपका पीछे का। चलो तो सेम है तो क्यों मेहनत करें, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बताओ, फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। जी हाँ, क्वेश्चन के माध्यम से अगर चीजें क्लियर हो जाती हैं तो क्यों ज्यादा मेहनत करना। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इतनी बार पूछ दिया है कि बच्चों को तो याद हो चुका है। ये EQ का टैग हम दे रहे हैं। EQ का मतलब होता है एग्जाम क्वेश्चन। ये एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के अंतर्गत आता है और बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है। ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली, जैसे आपके परिवार के जितने भी बच्चे हैं उनके पूरे झुंड को नाम दिया जाएगा क्या, यंग चिल्ड्रेन फैमिली। अब फैमिली है तो एक दूसरे के भाई बहन न रहिएगा, तो ब्रो वर्ड से याद कर लेना है। फिर तो क्या करेंगे, अब टैडपोल की बात करोगे तो टैडपोल जो होता है ये आपका होता है फ्रॉग का बच्चा, किनका, मेढक का। टीटर जो होता है ये डॉग के बच्चों को कहा जाता है, ठीक है ना। और जो ब्रूड था वो था आपके पास ऑफ ए फैमिली, किसी भी एक ही परिवार के बच्चों को कहा जाता है ब्रूड। चलो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अगर जाओगे तो ये मैंने बता दिया। आ जाओ बताओ, किसी भी बुक को हम लोग जब देखते हैं लाइब्रेरी में तो कैसे निकालते हैं, कैटलॉग से देख के। लाइब्रेरी तो होता ही है किताबों का समूह, प्लेस फॉर बुक्स लाइब्रेरी, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर किताबों का कलेक्शन क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो देखो ध्यान देना, आंसर होगा कैटलॉग। इंडेक्स जो होता है किसी किताब के अंदर कौन कौन सा चैप्टर है इसका कलेक्शन होता है। कैटलॉग जो होता है किसी भी बुक के बारे में डिटेल होता है लाइब्रेरी में कि कौन कौन सी किताब कहाँ पे है। और लिस्ट ऑफ आइटम्स होगा जो हम मार्केट से कोई सामान खरीद के लाने के लिए जो एक लिस्ट बनाते हैं उसको कहा जाता है। चलो ये है एग्जाम क्वेश्चन फिर से बगुआ, क्योंकि एग्जाम ने इसको इतना पूछा कि सबको याद करा दिया। चलो फटाफट बताओ, EQ का टैग लगा दो पहले तो एग्जाम क्वेश्चन। एग्जाम ने इसको बहुत बार पूछा है, करा था कि कहीं पे कॉटन की खेती होती है। अब कॉटन निकाल 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 के जो ढेर लगा देते हैं वो ढेर को क्या कहा जाता है। अब देखो पूछने का वजह समझ रहे हो, सबका उच्चारण बेल 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 है। अब कोई भी बच्चा बेल में कंफ्यूज हो जाएगा, कौन सा बेल आंसर था यार, वैसे करो ना, बेल का मतलब ये केस से रिलेटेड था, जेल से रिलेटेड था, ये तो आंसर नहीं आएगा। बेल वही हुआ जो घंटी स्कूल की होती है, यानी कि नो डाउट आंसर कौन छट गया, इसलिए पूछता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। देखो टीचर हो या स्टूडेंट हो वही अच्छे होते हैं जो कंफ्यूजन वाले सेक्शन का कुछ ऐसा तरीका बता देते हैं कि हम लाइफ टाइम उस क्वेश्चन को सही करें। लिस्ट ऑफ बिजनेस मैटर फॉर ए मीटिंग, इसी मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होगा, ये सारा विषय सूची को हम एजेंडा बोलते हैं। तब जी आज का मीटिंग का एजेंडा क्या है, नहीं ये नहीं होता है, आपका जो मीटिंग हेड होता है वो आप लोगों का बातचीत यहीं से ना शुरू कराता है। तब बताइए आज का मीटिंग का एजेंडा क्या है, आप लोग क्या क्या चर्चा करने वाले थे। एजेंडा मीटिंग का तुम डायरेक्ट याद करेंगे, और हम तो कहेंगे इसको भी EQ लगाओ क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन का उतना ही फेमस क्वेश्चन है। 43 में आ जाओ। अगर हम किसी भी जगह पर मछली को जाल में पकड़ के रखते हैं तो उसका समूह क्या कहलाता है, मछलियों का समूह एक जाल के अंदर क्या कहलाएगा, है ना, एक जाल के अंदर कहलाएगा के अंदर कैच। और हाउल ऑफ फिश होता है बउआ, इन अ होल, इसी गड्ढे को आप बना के उसे मछली पकड़ के रखोगे तब। ये होता है फिश का ही समूह, स्विमिंग टुगेदर, अगर एक साथ तैरती मछलियों का पूछेगा तब। चलो ऑप्शन डी में आ जाओ, एक और पढ़ा देते हैं, स्कूल, ये होता है डॉल्फिन का समूह। कई बार फीस के लिए ही पूछेगा, स्कूल वर्ड दे सकते हो, लेकिन ऐसे डॉल्फिन का समूह होता है क्या, स्कूल। इन्हें आप कहना कि स्कूल में हम पढ़ने जाते थे, स्कूल में आप पढ़ हो लेकिन डॉल्फिन का समूह भी स्कूल होता है। चलो इसका आंसर करेंगे हम लोग क्या क्या बताओ, जब हम किसी भी PM को देखते हैं, CM को देखते हैं या किसी बिजनेसमैन को देखते हैं, ये सब जब कहीं से गुजरते हैं तो इनके पीछे आगे गाड़ियों का काफिला चलता है, तो ये गाड़ियों का काफिला क्या कहलाता है, हिंदी में कहते हैं काफिला और इंग्लिश में कहा जाता है कौनवो, ठीक है ना। कारवां जो होता है वो आपका मर्चेंट्स का ही समूह होता है जिसमें बहुत सारे व्यापारी एक साथ घूम रहे होते हैं। और ये फ्लीट ऑफ हो जाता है पानी वाला जहाज, फ्लीट ऑफ क्या हो जाएगा, जहाज, कौन सा जहाज, पानी वाला।
पानी वाले जहाजों के समूह को फ्लीट कहा जाता है। चलिए हो गया आंसर सी बिल्कुल। अब कह रहा था कि अगर हम कहीं पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और आप हमारे लिए ताली बजाने के लिए खड़े हैं तो आप लोगों का ये झुंड को हम क्या नाम देंगे, कैसे याद करेंगे? देखो अपलाउडर्स का हिंदी पहले याद करेंगे प्रशंसक। अब खुद ही सोचो प्रशंसक का काम होता है लाइन बना के खड़ा रहना, क्योंकि लाइन का मतलब होता है क्यू यू ई यू ई, इसका हिंदी क्या होता है? कतार। अब अगर हम जानते हैं कि इसका मतलब कतार होता है तो शायद आसान होगा। तो क्लैप का मतलब ताली बजाना, सर क्या हो गया दोनों को मिला के? क्लैप। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन जब इसको पूछता है तो ये थोड़ा आपके लिए हैवी होता है, तो एचक्यू दे दो, इसमें हाई क्वालिटी क्वेश्चन है ये अपने आप में। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने तरीका बता दिया कि प्रशंसक होते हैं, प्रशंसक कतार बना के खड़ा रहते हैं और क्लैपिंग करते रहते हैं, उससे याद करना क्लैप। चलो बाकी को मत याद करो क्योंकि वो पॉपुलर उतने ऑप्शन हैं। बताओ ये भी क्वेश्चन एग्जाम ने पूछा बहुत एग्जामिनेशन में, तो मैंने सोचा ये भी आपके लिए लेके चलना चाहिए। कलेक्शन ऑफ अनटाइडी थिंग, अनटाइडी समझते हो? जैसे तैसे, जैसे देखो सेंटेंस को जैसे तैसे लिख देता है, उसको तो भी पारा जंबल कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसको? पारा जंबल। हो गया आंसर। तो जब अनटाइडी थिंग का मतलब है, इसका मतलब बेतरतीब चीजें, जैसे तैसे चीजें, और उनके समूह को कहा जाता है क्या? जंबल। अब स्टूडेंट आपको याद होगा कि ग्रोव ऑफ, मैंने ऑर्चार्ड पढ़ाया था, फलों के उद्यानों का उद्यान होता है बड़ा वाला, ये तो ग्रोव ऑफ ऑर्चार्ड्स। चलो बाकी जंबल तो आंसर ही था। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके पास, ये भी एग्जामिनेशन का भरपूर बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में काफी पसंद करते हैं एग्जामिनर इसे पूछना। क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ वर्शिपर, किसी पूजा पक्ष वाले स्थल पे जाने वाले लोगों का समूह को क्या कहते हैं? तो बताओ कॉन्ग्रीगेशन, पेडेस्ट्रियन, कांग्रेस। आंसर इज ए कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थ मंडली, तीर्थ मंडली, भक्त मंडली ये सब कहेंगे। सभी आपका सावन का महीना होता है तो उसमें भक्त लोग समूह पे समूह जाते हैं, उसे वो कहा जाएगा। पेडेस्ट्रियन तो पैदल यात्री होते हैं, ये समूह का नाम नहीं है, यह तो यात्रियों का नाम है पैदल यात्री। उसके बाद है कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स, कौन कौन से जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं उनके समूह को कहा जाएगा कांग्रेस, प्रतिनिधि मंडली, प्रतिनिधियों के समूह को कहा जाएगा। आइए सर यहाँ से कुछ एनालॉजी टेस्ट है जो आपके पास एग्जामिनेशन में रीजनिंग वाले सेक्शन में पूछा जा चुका है एग्जाम, बताइए फटाफट क्या आंसर करने वाले। ग्रुप होता है लड़कों का समूह, तो बेबी होती है लड़कियों के लिए, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पिलग्रिम्स, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, ठीक है, और पेडेस्ट्रियन पैदल यात्री मैंने बताया था, नो डाउट आंसर आपका होगा बेबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर जो भी कमेंट में है बिल्कुल सही है, बताइए फटाफट आप ही लोग। कोर्स जो होता है क्या चीज का समूह होता है? डॉक्टर के समूह को तो स्ट्रिंग कहते हैं, तो कोर्स कंप्लीट हम कराते हैं, टीचर्स कराते हैं तो टीचर्स के समूह को कहा जाता है। वर्कर्स के समूह को यूनियन कहना है, वर्कर्स का समूह क्या कहलाता है? यूनियन। ट्रेनर का समूह के लिए कोई वर्ड नहीं बनाया गया है इसलिए इसको स्किप करना है, ठीक है, वर्कर का समूह यूनियन का। आइए अब यहां से, मधुमक्खियों का समूह को हाइव कहा जाता है या मधुमक्खियों का छत्ता को हाइव कहा जाता है? तो हाइव हो गया मधुमक्खियों का छत्ता, तो पैक ऑफ मैंने बताया था डॉग्स यूज कर सकते हो या तो फिर पैप का जो प्लेइंग कार्ड होता है उसको, यहाँ ऑप्शन में बुल्फ्स है ये भी सही है, आप बुल्स के लिए भी यूज कर सकते हो। लायन का जो समूह होता है उसके लिए यूज करना है क्या? प्राइड, प्राइड ऑफ टाइगर्स के लिए भी आप प्राइड वर्ड ही यूज करना, प्राइड ऑफ टाइगर्स। ज्यादातर देखो होता क्या है ना कि टाइगर्स अकेले रहना पसंद करते हैं इसलिए इनके समूह की बात नहीं आती है, लेकिन जब लायन की बात आती है तो उसके लिए प्राइड वर्ड यूज कर सकते। चलिए आगे बढ़े, ये लीजिए पेड़ों का जो समूह होता है उसे हम लोग कहेंगे क्या? फॉरेस्ट। पेड़ों का समूह जो होगा उसे हम लोग कहेंगे क्या? फॉरेस्ट। और जो प्लांट होते हैं उनके समूह को कहा जाता है क्या?
ठीक है ना। क्लस्टर बहुत सा चीज के लिए यूज होता है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स कर सकते हो, क्लस्टर ऑफ ट्रीज कर सकते हो, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स भी कर सकते हो, ये सब के लिए यूज कर सकते हो। तारों के लिए गैलेक्सी भी होता है, कॉन्स्टेलेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे आप क्लस्टर वर्ड ही समझ लो, छोटा छोटा समूह को क्लस्टर कहा। देखिए अभी मैंने सिखाया था, क्या भूल गए? मुझे लगता है कि आप लोग कंप्लीट याद रखने वाले विद्यार्थी हो, कैसे इतना जल्दी भूल जाओ। क्या बोल रहा था, बेल किसका समूह था? कॉटन का, नो डाउट। ग्रेप्स तो सबको पता है कि बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, तो ये तो आप दोगे नहीं, बंच ऑफ क्या, ग्रेप्स। देखो यहाँ पर जो मेज बर्ड है सबको पता है, इसके लिए यूज करना सीप, SHEAF, ये अनाज के लिए, या तो फिर यहाँ पे मकई है तो मकई के लिए यूज कर लो। और भाई देखो यहाँ भीट के लिए सीप लिखा हुआ तो है ही ना था। बस दो तीन चार क्वेश्चन और फिर है सेशन समाप्त, फिर जाइए आराम से अपना अपना काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, हम नहीं रोकेंगे आपको। डॉग के समूह को क्या सिखा दिए? लीटर। काउज के समूह को क्या बोलेंगे? हर। ठीक है ना, तो हर डॉग याद करना है, कैटल भी यूज कर सकते हो, काउज भी यूज कर सकते हो, अब कल के डेट में एलिफेंट्स देता है तो एलिफेंट्स के लिए भी यूज कर सकते, जो भी आपके पास मवेशी की श्रेणी में आप रखते हो पालते हो सबके लिए। रोब ऑफ हमेशा यूज करना घोड़ों के लिए, हॉर्सेस। चलो कैटल तो भाई आपके पास में आप कह सकते हो कि ये तो खुद ही एक कॉमन नाउन है, तो ये किसी का समूह क्यों होगा? ठीक है, आंसर क्या करेंगे? चलिए आंसर आपका क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पिक्चर और फोटो तो पहले एक ही समझ में आता है, लेकिन पिक्चर और फोटो दोनों दो चीज़ है। फोटो होता है ना जब हम उसको कार्ड पर प्रिंट कराते हैं, और जो पिक्चर होता है ना वो जब हम लाइव तस्वीर खींचते हैं तो फिर गैलरी में होती है सेव जाके पिक्चर। तो जब पिक्चर का समूह पूछेगा तो गैलरी, और फोटो के लिए पूछेगा तो डॉक्यूमेंट और इमेज के लिए कोई आपका कलेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन पढ़ाने को या पढ़ने को देख लो। घटनाओं के समूह को मैंने बताया था आप लोगों को कि क्या बोलना, कोर्स बोलना। तो इवेंट्स के समूह को कोर्स कर रहा है। सीरीज ऑफ क्या बोलना ऑप्शन के हिसाब से? तो मार्केट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह का एक सीरीज आता है, तब ना आप जाते हो खरीदते हो, बोलते हो कि मुझे लेटेस्ट सीरीज का दिखाओ, लेटेस्ट सीरीज का दिखाओ का मतलब सीरीज ऑफ टूल्स हो गया। बताइए अगर कभी मार्केट में भीड़ की बात करते हैं तो दो तरह की भीड़ हो सकती है, एक नॉर्मल, अब नॉर्मल है तो नॉर्मल क्राउड को हम लोग क्राउड ही बोलेंगे, लेकिन एंग्री लोगों का समूह को कहा जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। मॉब ऑफ एंग्री पीपल, बैंड ऑफ सबको याद होना चाहिए क्योंकि ये तो सब सुनवे या देखवे किए होंगे कि म्यूजिशियन का समूह होता है। अब क्रू वर्ड अगर आप नहीं जानते हो तो कैसे नाव चलाने और जहाज चलाने वालों के बारे में जानोगे? क्रू ऑफ सेलर्स होता है, क्या बोलना है? मॉब, ये गुस्से से भरी। अब यहाँ से देखो जब क्वेश्चन में बात होती है जज के, तो जज के समूह को कहा जाता है क्या? लेकिन जब स्कूल की बात होती है तो ऑप्शन के हिसाब से आएगा थिंकर्स, है ना, स्कूल ऑफ थिंकर्स। क्यों सर? क्योंकि सर टीम होता है किसके लिए? प्लेयर्स के लिए। ये तो खैर रिजर्व हो गया खिलाड़ियों के, यहाँ पे टीम आपके पास में था नहीं। डॉक्टर के लिए मैंने आपको नहीं सिखाया तो जान लो, स्ट्रिंग ऑफ होता है डॉक्टर्स, स्ट्रिंग ऑफ क्या सीखते हैं? डॉक्टर्स, डॉक्टर के समूह का स्ट्रिंग का, इसलिए नो डाउट आंसर क्या करेंगे हम यहाँ पे, थिंकर्स का। चलिए तो सेशन होता है यहीं पे पूरा, तो कलेक्टिव नाउन के अंदर हम लोग मेनली जो चीजें पढ़ते हैं सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पे दिखा दी है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इस पे फ्राइडे को, और उसमें हम लोग चलेंगे नाउन एंड उसके बाद जेंडर के क्लास में, ठीक है? और नाउन एंड जेंडर जरूरी है क्वेश्चन टैग के लिए, प्रोनाउन के टॉपिक वगैरह के लिए, और अपने बेसिक नॉलेज के लिए, और फिर से रीजनिंग एनालॉगी के लिए। तो जेंडर का क्लास में भी हम आपको एनालॉगी वगैरह लेके आएंगे, काफी रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ आपने कलेक्टिव नाउन में आपको दिखाए हैं। चलिए बस बढ़िया से इनको राइट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और फिर अगले सेशन